बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज बात करेंगे पार्कव्यू सिटी लाहौर की सेकंड एंट्रेंस के बारे में कि ये एंट्रेंस जो है वो कहां से आएगी, किधर बनेगी, कब तक बनेगी, कौन सी ज़मीन खरीदी जा चुकी है, कौन सी ज़मीन अभी जो है वो ख़रीदा जाना बाकी है और किस ब्लॉक को इस एंट्रेंस का सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। इन तमाम सवालों के जवाब वीडियो में मिलेंगे, तो वीडियो मुकम्मल देखें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस वक्त हम मौजूद हैं ट्यूलिप ओवरसीज जो कि स्कूल वाला ब्लॉक है और बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे आबादी ऑलरेडी मौजूद है। इस ब्लॉक में अगर हम स्कूल की जो रोड है, इस वक्त आप स्कूल की बिल्डिंग देख रहे हैं अपने राइट साइड पे, स्कूल की बिल्डिंग से अगर हम बिल्कुल सीधा जाएंगे तो एंड पर आपको जो है वो डेवलपमेंट की एक्टिविटी नज़र आ रही है। ये ट्यूलिप ओवरसीज ब्लॉक की एक्सटेंशन बनने जा रही है, जैसे पार्कव्यू ने अपने टुपैस ब्लॉक की एक्सटेंशन लॉन्च की, फिर उसके बाद ट्यूलिप ब्लॉक की एक्सटेंशन लॉन्च की और अब ट्यूलिप ओवरसीज जो स्कूल वाला ब्लॉक है इसकी एक्सटेंशन जो है वो बनने जा रही है। स्क्रीन पे आपको मशीनरी नज़र आ रही है और डेवलपमेंट का काम यहाँ पे जारी है। स्कूल की मेन बुलेवार्ड को ही जो है वो एक्सटेंड किया जा रहा है, जैसा कि आप इस वक्त हमारे शॉट में देख सकते हैं, स्कूल की मेन बुलेवार्ड को आगे जो है वो एक्सटेंड किया जा रहा है। नाज़रीन, सेकंड एंट्रेंस का जो रास्ता भी बनना है वो भी यहीं बनेगा। हमने माजी में भी आपको ये बताया था कि सिल्वर पर्ल ब्लॉक की तरफ सेकंड एंट्रेंस जो है वो नहीं बनेगी, ये ट्यूलिप ओवरसीज की तरफ से होते हुए जो है वो क्रिस्टल ब्लॉक को टच करेगी थोड़ा सा, लेकिन मेन इसकी जो मेजॉरिटी इस रोड का बेनिफिट है या एंट्रेंस का बेनिफिट है वो ट्यूलिप ओवरसीज ले जाएगा और ट्यूलिप ओवरसीज से ये फिर पूरे पार्कव्यू को कनेक्ट करेगी। इस वक्त हम इन ज़ेरे तामीर सड़कों से बिल्कुल सीधा आ रहे हैं और आपको रकबा दिखा रहे हैं। ये फुटेज ईद से चंद दिन पहले की है, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे एक्टिविटी नज़र आएगी। नॉर्मल दिनों में इतनी ज़्यादा एक्टिविटी यहाँ पे आपको जानवरों की जो है वो नज़र नहीं आती। स्क्रीन पे इस वक्त जो आपको हाई टेंशन पोल नज़र आ रहा है और इसके साथ कुछ मशीनरी काम करती हुई नज़र आ रही है, यहाँ तक जो है वो इन्फॉर्मेशन है कि लैंड की डील या सेटलमेंट हो चुकी है और पार्कव्यू सिटी यहाँ तक जो है वो अपनी डेवलपमेंट अगले 6 महीने से 1 साल में मुकम्मल कर लेगा। आपको बताते चले, ट्यूलिप ओवरसीज एक्सटेंशन की डील अभी ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुई। इस हाई टेंशन पोल से हम बिल्कुल सीधा जो है वो अब मुल्तान रोड की तरफ जा रहे हैं और बैकग्राउंड में आपको मुल्तान रोड नज़र आ रही है और इसकी बैक साइड पे जो EMEA DHA है उसका एरिया आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो ग्रीन एरिया है लेफ्ट साइड पे आपको प्लॉट नज़र आ रहा है, ये भी पार्कव्यू के पास नहीं है। जब तक ये जो स्क्रीन पे एरिया आपको नज़र आ रहा है जिसकी बाउंड्री भी लगी है और इसके बिल्कुल पीछे मुल्तान रोड है, ये एरिया पार्कव्यू एक्वायर नहीं करती तो एंट्रेंस जो है उसका जो है मुकम्मल प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट ये लोग नहीं कर सकते। तो ये इसके करीब तो जा रहे हैं लेकिन एंट्रेंस अभी जो है अगेन काफ़ी साल दूर है। पिछले 5 साल से जो है मार्केट में एंट्रेंस की बात चल रही है, इस दौरान क्रिस्टल ब्लॉक भी एंट्रेंस के नाम पे बिक गया, सिल्वर भी बिक गया, पर्ल भी बिक गया, लेकिन हकाइक से लाइलमी की वजह से हमारे जो इन्वेस्टर हैं, हमारे जो कस्टमर्स हैं पार्कव्यू के, वो ज़्यादा हकाइक को ना जानना चाहते हैं और ना ही पसंद करते हैं, तो वो लोग जो हैं बेचारे सेकेंड एंट्रेंस सिल्वर और पर्ल में ही तलाश करते रहे, जबकि सेकेंड एंट्रेंस का जो रूट है वो ये था। तो वो ब्लेम करें अपने रियल स्टेट कंसल्टेंट्स को जिन्होंने उनको ये टोपी पहनाई और उनको फाइलें वगैरह अपनी बेची। अब हम दोबारा जो है वो आ रहे हैं मुल्तान रोड से पार्कव्यू सिटी की तरफ। अगेन आपको ये पोल जो है इसको आप आसानी ज़मीन से भी देख सकते हैं, ये आपको ट्यूलिप ओवरसीज में जहाँ डेवलपमेंट का काम चल रहा है वहाँ से भी नज़र आ जाएगा, तो ये एक बड़ी की निशानी है। इस वक्त दोबारा हम उन रोड्स पे आ चुके हैं जहाँ पे अभी डेवलपमेंट चल रही है और अगले 2 से 3 महीनों में पार्कव्यू सिटी यहाँ पे डील लॉन्च करेगा जिसकी प्राइस 65 से 70 लाख रुपये होगी 5 मरला की। अगर आप यहाँ पे लैंड कोटा के प्लॉट्स परचेज करना चाहते हैं जो कि आपके नाम पे फौरी ट्रांसफ़र भी हो जाएंगे, तो वो आप अभी 55 से 60 लाख रुपए में ख़रीद सकते हैं। डेवलपमेंट यहाँ पे 6 महीने से 1 साल के अंदर जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। आपको बताते चलें, स्कूल की मेन बुलेवार्ड के साथ 5 मरले का प्लॉट इस वक्त जो है 70 से 75 लाख रुपए उसकी प्राइस ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट करती है।
अब ज़रा एक क्लोज़र लुक लेते हैं इस सारे एरिए पे जहाँ पे ये सारा डेवलपमेंट का काम चल रहा है। ये फुटेज मंडी बकरा मंडी से जो है करीब इलाके की है और ईद के बड़ी ईद से एक दो दिन पहले कैप्चर हमने की थी। यहाँ पे कुछ बहुत मतलब मैक्सिमम जो एक्टिविटी है आपकी यहाँ पे मंडी की वो बकरा ईद पे ही होती है, तो आपको मैक्सिमम एक्टिविटी इस वक्त जो है यहाँ पे नज़र आएगी। नॉर्मल दिनों में यहाँ पे मंडी का रश जो है वो अपनी जगह मौजूद होता है, लेकिन जब डेफिनेटली यहाँ पे डेवलपमेंट होगी, यहाँ पे बाउंड्री वगैरह लगेगी, जिस तरह जेड एक्सटेंशन अब बिल्कुल एक बाउंडेड जो है वो ब्लॉक बन चुका है, तो ये ब्लॉक भी बाउंडेड ब्लॉक हो चुका होगा। आप देख सकते हैं एक सर्कल नुमा जो है मार्किंग्स आपको नज़र आ रही हैं, ये भी पार्क्यू की तरफ से ही की गई हैं। ये बेसिकली मैप के ऊपर एक राउंड अबाउट है जिसके साथ एक पार्क और मस्जिद भी जो है वो प्रपोज्ड है। तो ये सारा वो एरिया है जो स्कूल वाले ब्लॉक से आगे चलेगा, इसको एक्सटेंड करेगा और फ्यूचर में पार्क्यू सिटी इधर से अपनी सेकेंड एंट्रेंस निकालेगी। उसको 2 साल लगें, उसको 5 साल लगें, उसको 10 साल लगें। अगर आप यहाँ पे एडवाइजेबल इन्वेस्टमेंट चाहते हैं जो आप ऑफिशियल डील लॉन्च होने से पहले अपना प्लॉट सिक्योर करना चाहते हैं, हमारा नंबर स्क्रीन पे दिया गया है, आप हमारे से रब्ता कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पार्क्यू सिटी लाहौर के ऑफिस के ऑपोजिट डाउनटाउन रियल इस्टेट हमारे ऑफिस का नाम है, आप हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं, हमारा ऑफिस विजिट कर सकते हैं और पार्क्यू में सिर्फ और सिर्फ ऑन ग्राउंड चीज़ों के लिए हमसे आप सेल परचेज की डील कर सकते हैं। हम फाइलों में या बुकिंग की चीज़ों में जो है वो डील नहीं करते हैं।